आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश दे विच मनाया जा रहा है। सो इसके चलते ही असि आज पहुंचे हैं पटियाला दे प्राचीन भूतनाथ मंदिर। महाशिवरात्रि का पर्व जिहड़ा है बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। जैसे घर में शादी का माहौल होता है, वैसे ही हमारे भूत प्राचीन मंदिर भूतनाथ में 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो गए थे। 14 तारीख को भगवान को विवाह हाथ लगाया गया। पटियाले दे हिंदू सनातन हिंदू धर्म के लोग शिवरात्रि का महोत्सव बड़ी खुशी हर्षोल्लास नाल मना रहे हैं। हुण इस टाइम प्राचीन मंदिर भूतनाथ जी का मंदिर शिव भोले का मंदिर है, इतने असं आए हैं दर्शन कर। जो त्यौहार है बहुत पवित्र त्यौहार है। सब तो वड्डी गल ये है भी जिहड़ा ये मंदिर है जिथे आप खड़े हाँ ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये अपने आप उत्पन्न होया है। कसकास बदाम कालिया मिर्चा लाचियाँ पा के तैयार होंगी है जी। ये हाँ जी, हर साल की तरह संगत दूरों नेड़े आ के भोले शंकर नमस्कार कर दिया ने ते उहदा गुणगान कर दिया ने। भंग की जो कि टिक्कियां तैयार कर रहे हो, की कहना चाहोगे इस बारे? बस भोले चिट्ठी का प्रसाद है, मैं तो अपने घर वाले नाल ही आई हाँ, अज मेरा बेटा आंदा है। हल्दी की रस्म हुई है और रस्मां भी बहुत सुंदर नाल हुई हैं और मैं बहुत नज़दीक तो देख रहा हूँ कि मेले का आयोजन भी बड़ी धार्मिक परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। अज बहुत ही चंगा पर्व हैगा भोले शंकर का, तो बहुत लोग सारे ही माता भैन भगत भोले से भोले भंडारी जल चढ़ाते हैं। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਰਾਕ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਨਾਤਨ ਕਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਹ ਹੁਆ ਥਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ पटियाला निवासी पंजाब निवासियों को इस भोलेनाथ के शुभ त्यौहार के उत्ते बहुत बहुत बधाई देना है। मैं भी इतने 12 महीने 30 दिन महादेव हाजिर रहते हैं, कोई भी भगत अपनी मुराद मंगता है तो वह जरूर पूरी होगी। भगतों के बीच बहुत भगती च रंगे हुए हैं सारे भगत भोलेनाथ जी और मैं इन्हों के सारे प्रबंधन देख के बड़ा खुश हूँ। जब तो मैं 5 साल की उम्र तो सोझी संभाली है, मैं लगातार इस मंदिर से आ रहा हाँ और इस मंदिर का काम बहुत वधिया अगे नालों बहुत ही मतलब वधिया होया है। इस मंदिर का खासियत जिहड़ा कोई दर्शन करता है और अपनी मनोकामना जड़ी भी इत्थे कोई लैके आंदा है भगवान भोलेनाथ उहदी मनोकामना पूरी करदे ने। भोले ब्याह दी सारिआं नूं संगतां नूं मिगे वल्लों मिगे टीम वल्लों सारिआं नूं मुबारकां जी। मीडिया चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं ईश्वर शर्मा स्वागत करती हाँ। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश दे विच मनाया जा रहा है, सो इसके चलते ही असं आज पहुंचे हाँ पटियाला दे प्राचीन भूतनाथ मंदिर च। जी हाँ, जिथे कि हर साल महाशिवरात्रि के त्यौहार मौके मेला लगता है ते दूरों दूरों संगत इत्थे जो कि शिव के दर्शन करन दे लई आउंदियां ने। सो देख सकते हो प्राचीन भूतनाथ का मंदिर है, पुरातन मंदिर है जिथे कि हर साल महाशिवरात्रि नूं इत्थे मेला लगता है, दूरों दूरों संगत आउंदियां ने। तुसीं लाइनां दे विच वी देख सकते हो किवें इत्थे संगतां दीआं वड्डीआं वड्डीआं लाइनां लगीआं होईआं ने। पूरा इकट्ठ तुहानूं इस जो कि प्राचीन भूतनाथ मंदिर दे विच देखण नूं मिलेगा। सो इसदे चलदे हुण असीं अंदर वी जावांगे
ते दर्शन करांगे शिव जी दे ते अग्गे भी जो कि भगतां दे नाल गलबात करांगे। सो हुण गलबात करदे हां सेवादार दे नाल। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। बाबा जी तुहाडा नाम की है? मेरा नाम रमेश कुमार बिल्लू है, सोशल वर्कर है जी। ते अज महाशिवरात्रि दा पर्व जिहड़ा है बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। ते इत्थे पूरनाथ दे मंदिर दे विच पटियाला दे विच बड़ियां रौनकां लगियां ने सवेरे 4 बजे तो लैके हुण तक रात तक चलणगियां लगभग 12 बजे तक, क्योंकि मैं पिछले इतने 50 साल तो इतने सेवा करन लई सी। इतने आउंदे साडे जवान सेवा दल दे ते इतने फ्री सेवा करदे ने इह भगतां दी सेवा दे विच। तां अज बहुत ही चंगा परब हैगा भोले शंकर दा। तां बहुत लोक सारे ही माता भैणां भगत भोले दे भोले भंडारी नूं पत्ते जल चढ़ाउंदे ने, बेल पत्तर बिल चढ़ाउंदे ने ते अपनी जिहड़ी साल भर मनोकामना हुंदी है पूरी करदे ने। इत्थे अपने पूरे परिवार समेत घरवाली ते नाल बच्चों समेत इत्थे मत्था टेकदे ने ते भोले भंडारी दा आशीर्वाद लैंदे ने। जय भोलेनाथ की, जय बाबे। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? जी मैं पटियाला से ही हूँ। क्या कहना चाहते हो आप, महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है? देखिए जो महाशिवरात्रि का ये त्यौहार है ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान शिव का कहते हैं कि विवाह हुआ था, और ये जैसे कि घर में शादी का उत्सव होता है वैसे ही दुनिया भर के शिव मंदिरों में ऐसे ही हर्षोल्लास से भगवान शिव का जलाभिषेक कर करके ये त्यौहार मनाया जाता है। आप अपने परिवार के साथ आए हो? जी हाँ, हम अपने परिवार के साथ आए हैं। हम कल रात्रि से ही मंदिर में हैं। कल रात से ही ये मंदिर में है, तो क्या वैसे जैसे कि शादी में प्रोग्राम होते हैं एक दिन पहले ही देखने को मिले, मंदिर में भी कोई प्रोग्राम? हम पिछले हफ्ते से मंदिर में लगातार आ रहे हैं। जैसे घर में शादी का माहौल होता है वैसे ही हमारे भू प्राचीन मंदिर भूतनाथ में 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो गए थे। 14 तारीख को भगवान को विवाह हाथ लगाया गया, 15 तारीख को हल्दी लगाई गई, 16 तारीख को मेहंदी की रस्म अदा की गई, और कल 17 तारीख को भगवान को सेहराबंदी की गई। आप मंदिर के परिसर में शिवालय में देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के ऊपर में सेहरा बंधा हुआ है, और साथ में गौरा माता जी दुल्हन का रूप लेकर के बैठी हैं। और आज जैसे कि भगवान शिव की शादी है, कहा जाता है कि आज के दिन भगवान का विवाह हुआ था, उनका पृथ्वी लोक पे आगमन हुआ था, तो ये सब लोग जो भगवान को अभिषेक करवाने आते हैं एक तरह से भगवान के बराती हैं। आम देखते हैं असि ब्याह शादी दे विच 4-5 दिन पहला ही जो कि फंक्शन शुरू हो जाते हैं, सो उसी तरह ही महाशिवरात्रि त्यौहार मौके ही पहला ही जो कि हल्दी दियां रस्मां जागो दा फंक्शन जो कि पहला ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव जी का पार्वती माता दे नाल ब्याह होया सी, सो उन्हां दी सालगिरह मनाई जाती है महाशिवरात्रि वाले दिन। सो इसे ही त्यौहार मौके पूरे देश विदेश दे विच संगतां दे वल्लों वख-वख तरह दे लंगर लगाए जा रहे हैं, अते फुल्लां दे नाल जो कि पालकियां सजाईयां जा रहीयां ने, सुंदर सुंदर झाकियां निकलदियां ने ते पूरियां रौनकां इस दिन देखण नूं मिलदियां ने। हुण गलबात करदे हां मंदिर दे जनरल सैकटरी दे नाल। आओ फिर जानदे हां उन्हां तों। नमस्कार। नमस्कार जी। सर की नाम है तुहाडा? वरुण गोयल। सर अज महाशिवरात्रि का त्यौहार है जो कि पूरे देश विदेश दे विच धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है, तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? देखो ये जिहड़ा त्यौहार है बहुत पवित्र त्यौहार है। सब तो वड्डी गल ये है भी जिहड़ा ये मंदिर है जिथे आपां खड़े हाँ ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये अपने आप उत्पन्न होया होया है। दूसरी गल ये है भी नदी के किनारे होने करके इत्थे रेडियो एक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिदे नाल जब कोई जल अर्पण करता है तो अर्थ का साइकिल पूरा हो जाता है, तो मन को बड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरा ये मनिया जाता है भी इतने 12 महीने 30 दिन महादेव हाजिर रहते हैं, कोई भी भगत अपनी मुराद मंगता है तो वह जरूर पूरी होंगी है। सवेर तो असं देख रहे हैं लंबिया लंबिया लाइना लग रही ने, ते वैसे तो अज महाशिवरात्रि का त्यौहार मौके या फिर अक्सर ही भीड़ होंगी है मंदिर? नहीं, हर सोमवार को बहुत अच्छी भीड़ होंगी है जी, पर अज का जोड़ा दिन है ये तो ऐसी भीड़ होंगी है तुम देख सकते हो कि बंदा गेट पर खड़ता है तो अपने आप धक्के ही अंदर आ जाता है, इन्नी ज़्यादा भीड़ इतने रही है। भीड़ भी असं देख रहे हैं, कोई सुरक्षा के प्रबंध किए हुए ने? सारा कुछ बड़ा इंटैक्ट है जी, तुम देख सकते हो जोड़े सुरक्षा समिति वाले हैं भी बड़ी मदद करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी साढ़े नाल है, डीसी साहब नू भी लैटर्स गई होंगे, तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम होंगे ने, ते नाल साढ़े सीसीटीवी कैमरे भी चलते रहते हैं। गलबात करते हैं शिवसेना के प्रधान पवन गुप्ता जी नाल जो कि प्राचीन भूतनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं तो साढ़े नाल मौजूद ने, गलबात करते हैं उन्होंने। नमस्कार। नमस्कार जी। सर महाशिवरात्रि का त्यौहार है अज की कहना चाहोगे? पटियाले दे हिंदू सनातन हिंदू धर्म के लोग शिवरात्रि का महोत्सव बड़ी खुशी हर्षोल्लास नाल मना रहे हैं। मैं पटियाले के सारे बाजारों शहरों जिन्हें भी लंगर लगे उन्होंने थावों पर जाके आया,
सनातन हिंदू धर्म के सारे लोग बड़ी खुशी के नाल मना रहे हैं और भूतनाथ मंदिर कमेटी भी बड़े सुंदर ढंग नाल भव्य रूप च शिवरात्रि का मेला आयोजन कर रही है और काफ़ी इन्होंने अच्छे सुंदर रूप च शिवरात्रि का आयोजन किया है। उसके लिए मैं शिवसेना हिंदुस्तान वालों इन्हां भूतनाथ मंदिर कमेटी के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दिना। बहुत भीड़ लगी हुई है प्राचीन मंदिर दे विच, अक्सर ही देखते हैं हर साल जो कि भीड़ लगी रहती है। सो सर देख रहे हैं कि चोरियां लुटेरे भी जो कि लुट्टा खुट्टा दी वारदात भी होंगे, तो इसनों तुसी किवें देखते हो, की कहना चाहोगे इस बारे? देखो बहुत सारे जनता 90% जनता श्रद्धा के नाल आती है, महा शिव भगवान जी के विवाह उत्सव शामिल होंगे है, उस कुछ इस तरह के समाज विरोधी भी अंसर होंगे है। हालांकि जिला पुलिस प्रशासन योग प्रबंध इस तरह के होने चाहिए है ताकि किसी श्रद्धालु ना इस तरह की घटना ना घटित हो, और मंदिर प्रबंधक कमेटी भी बहुत प्रयास करती है, पर तुम जानते हो समाज इस तरह के अंसर भी विराजमान है तो उन्होंने लिए कानूनी तौर पर ही उपचार हो सकता है क्योंकि इस तरह की माड़ी सोच के लोग हर युग च मौजूद रहे हैं। अनुसार पूजा पाठ कर रहे ने, हल्दी की रस्म हुई है, होर रस्मां भी बहुत सुंदर नाल हुई है, और मैं बहुत नजदीक तो देख रहा हूं कि मेले का आयोजन भी बड़ी धार्मिक परंपरा के अनुसार कर रहे ने। तो मेरे वालों मेरी संस्था शिवसेना हिंदुस्तान वालों श्री भूतनाथ मंदिर कमेटी के जिहड़े आयोजक हैं प्रबंधक हैं उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनावां बधाई। नमस्कार जी, मेरे वालों सारे भगतों नूं ओम नमः शिवाय। की नाम है सर? मैं रजिंद्रपाल साबका DSP पंजाब पुलिस, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब स्टेट। अज महाशिवरात्रि का पवित्र त्यौहार है तो साढ़े पटियाले के लोग बहुत धूमधाम इन मना रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास मना रहे हैं। असी भी प्रधान जी की रहनमई थले सारे मंदिरों में भगवान के दर्शन किए है, और हुण इस टाइम प्राचीन मंदिर भूतनाथ जी का मंदिर शिव भोले का मंदिर है, इत्थे असी आए हैं दर्शन करन। इत्थे इन्ना हर्षोल्लास है भी असी गेट तो इत्थे तुर के भी बड़ी मुश्किल आए हैं, गड्डिया भी असी पिछे रोकिया ने। भगतां दे विच बहुत भगती च रंगे हुए ने सारे भगत भोलेनाथ जी, और मैं इन्हां दे सारे प्रबंधां नूं देख के बड़ा खुश है, और मैं प्रधान जी नूं ते सैकटरी साहब नूं इस गल की बधाई दी भी दे रहा हैगा कि इन्हां दे प्रबंध जिहड़े हैगे ने भगतां दी इन्नी संख्या ज़्यादा होण दे बावजूद भी बहुत अच्छे ने, और सारे अज जिहड़े भोलेनाथमई माहौल बनिया होया। अज इस शिवरात्रि दे महापर्व के उत्ते मैं मत्था टेकन आया, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये प्राचीन मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और पूरे हिंदुस्तान दे विच जिन्ना रश इत्थे देखन नूं मिलिया, भगतां दी जिहड़ी भीड़ है कल रात तो 12 बजे तो बाद ही इत्थे उमड़ के पै रही है, और मेरा ख्याल इत्थों तुसीं देखन नूं इतिहासिक मंदिर इसी का नाम है, और इहदे प्रधान श्री वरिंदर खन्ना जी ने बड़े अच्छे तरीके की इत्थे दी मैनेजमेंट है, और इस मंदिर का खासियत जिहड़ा कोई दर्शन करता है और अपनी मनोकामना जड़ी भी इत्थे कोई लैके आंदा है भगवान भोलेनाथ उहदी मनोकामना पूरी करदे ने। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग, हर संस्थावां दे लोग इत्थे मंदिर दे विच भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं, और अज दे दिन दे उत्ते मैं पूरे पटियाला निवासी पंजाब निवासियों इस भोलेनाथ के शुभ त्यौहार के उत्ते बहुत बहुत बधाई देना और शुभकामना देना। और अज मैं कहना जिथे भी जोड़े कोई भगत बैठा है अपने नियरेस्ट मंदिर के उत्ते भोलेनाथ के मंदिर के उत्ते जल चढ़ा के फुल चढ़ा के उदा आशीर्वाद जरूर प्राप्त करे और अपने दुखा दा अंत करे। महाशिवरात्रि त्यौहार मौके कहा जाता है कि भंग का प्रसाद जो कि जरूर संगतां नूं दिता जाता है, भंग है जो कि शिव शंकर दे जो कि एक उन्हां दा मेन प्रसाद सीगा, ते हर साल महाशिवरात्रि त्यौहार मौके जो कि भंग बनाई जाती है। सो इत्थे बाबा जी भी असीं देख रहे हां भंग बना रहे ने, किवें बनदी है इह भंग, आपां उन्हां दे नाल वी गलबात करदे हां। नमस्कार बाबा जी। सत श्री अकाल जी। की कहना चाहोगे बाबा जी? की नाम है पहले तो, नाम दसो। साडा नाम हरिंदर सिंह है जी।
बाबा जी ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੰਗ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸਕਾਸ ਬਦਾਮ ਕਾਲੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਲਾਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੰਗ ਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੰਗ ਰਗੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਸ ਪੋਲੇ ਚਿੱਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਰੌਣਕਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਵਿੱਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭੋਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਰਾਕ ਇਟਲੀ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟੇਗਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਇਲਸ ਆਦਾ ਵੀਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਾ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਠੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਸਗੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਭੋਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭੂਤਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭੂਤਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਭੂਤਨਾਥ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਇਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਧੰਨਵਾਦ।